जगह मिले हो वैसे ही राइडर बन जाए एकदम ओवरटेक मारने, और साथ में ऐसा करे कि आप लोग कभी स्पीड चलाएं गाड़ी, बिकॉज चक्का स्लिप बहुत ज़्यादा करता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज 23 जनवरी, आज हम लोग जाने वैक्सीन लेने के लिए कोरोना का, और इसका एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है वैक्सीन लेना। और मैं वैक्सीन ले चुका हूँ दोनों डोज, और मैं लूँगा बूस्टर डोज, तब जा रहा तो उसका वीडियो डालूंगा। और अभी फिलहाल इसका वैक्सीन लाने के लिए जा रहे हैं, पहला डोज चढ़ेगा इसका, आज फर्स्ट डोज रहेगा, फिर देखते आगे चले चलते हैं। मास्क लेके जाइएगा जहाँ भी जाइएगा, हैंड सैनिटाइजर लेके जाइएगा। और ठंड के मौसम में थोड़ा धूप निकला है, सुबह से बारिश कंटिन्यू हो रही थी, जिस कारण देख सकते हैं रोड पर पूरा पानी जम गया है, और वो हम लोग की कम्बो लगी रही, उसी से हम लोग जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए। और जाते हैं, अगर जब भी आप बाइक से सफ़र करें तो आप अपने साथ हेलमेट जरूर रखेंगे, नहीं तो हेलमेट के चक्कर में आपको 500 का चलान चला जाएगा, और कितना का चलान जाएगा कोई पता नहीं है। और साथ में ये हेलमेट जो आपको बहुत सुरक्षा देती है, प्रदान करती है, तो जब भी जाएँ तो हेलमेट को साथ में लेके जाएँ। गाड़ी जाएंगे, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसको चाबी दे दिया जाए चलाने के लिए। मेरे पास है ड्राइविंग लाइसेंस, मैं लेके जाऊंगा गाड़ी, और ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो रोड पर ना निकले, वरना चलान तो कट ही जाएगा। अब प्लस में सेफ्टी भी लेके चलना है साथ में, और सेफ्टी के पहले एक और सेफ्टी लगाना है, तो 550 नो मास्क 550। पानी ही पानी जमा हुआ है पूरा सभी तरफ, बरसात के मौसम में गाड़ी धीरे चला, बरसात के मौसम में रोड सूखा है, बरसात के मौसम में गाड़ी धीरे चलाएं। ये रही मेरी एक्स, फिर से मेरी एक्स आ गई है, यही है, मैं यहीं से पढ़ाई करके निकला हूँ। ये बहुत नामी स्कूल है यहाँ का, यहाँ कोई बच्चा नहीं जाता है, जहाँ कोई बच्चा नहीं जाता है, यहाँ सिर्फ 25 दिसंबर में सब पहुँचते हैं, क्योंकि क्रिसमस का स्कूल है तो यहाँ सेलिब्रेशन ही होता है, झूले लगते हैं, मेला लगता है, बहुत खतरनाक वाला है, पूरा रोड पूरा जाम रहता है, ये जो रोड है ना। अगले क्रिसमस में इस पर वीडियो बना दूंगा। ये रोड जो है हमेशा आपको हमेशा यहाँ पे जाम ही मिलेगा, बट आज देखिए तो पूरा खाली है, पीछे जाम लगा, जैसे पीछे जाम है, शॉर्टकट आए थे, इसी के लिए हम लोग शॉर्टकट आए थे कि हम लोग को जाम ना मिले। हम लोग ये भी शॉर्टकट ही मारे हैं, रास्ता आगे से ऐसा वहाँ से, लेकिन हम लोग इधर से ही जाएंगे शॉर्टकट, वहाँ पे चेकिंग चलता है इसलिए हम लोग इधर से जाएंगे शॉर्टकट। चेकिंग का कोई डर नहीं है, लाइसेंस है बाद में, और चेकिंग चले तो डर नहीं है, हम लोग लाइसेंस वाले आदमी है, ये लाइसेंस वाला आदमी, हेलमेट भी है, जूता नहीं है, चप्पल भी है, लोकल के लिए चप्पल सही है, लेकिन हम लोग जगह पर पढ़ना चाहता है इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना। चलो ये रहा मेरा पुराना स्कूल, मैं पहले इसमें पढ़ा था 2-3 साल, गुड एंड ग्रेट में। हमारा बड़ी पहाड़ी पीछे से आगे से वीडियो आने वाला है, इस पे वीडियो आने वाला है, शूट हो चुका है, एडिट होके डाला जाएगा। गाइस आज पानी पड़ा, उस कारण बहुत ठंड लग रहा है, हम लोग
शर्ट की है मीटर। उसके बाद ये हुडी पहनू फिर भी ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रहा है प्लस में पानी बारिश हुई इसी कारण। यहाँ का रोड देख सकते आप कितना कचरा हो गया। जब आप लोगों को जगह मिले तभी ओवरटेक लें, हम लोग की तरह बहुत पे चल सकते हैं एकदम बहुत पे चलते हैं। जब जैसे ही जगह मिले हो वैसे ही राइडर बन जाए एकदम ओवरटेक मारने। और साथ में ऐसा करें कि आप लोग कभी गाड़ी चलाओ चक्कर स्लिप बहुत ज़्यादा करना। मेरा जो भी 10 दिन के बाद आने वाला है वो है एग्ज़ाम, जो कि सेंटर मेरा यहाँ गया है मैं इसी में आऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए। फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर में और यहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन लेंगे, तो चलिए चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, वहाँ सेंटर लेते हैं। यही है पीछे वैक्सीनेशन सेंटर, ये बिहार शरीफ का। रजिस्टर नहीं किया था ऑनलाइन, फिर भी हो जाएगा ना? फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट हो जाए। 15 साल वाला है? 18 ना। हाँ 18। एक आदमी ना? हाँ एक आदमी। मेरा तो हो गया। मेरा बूस्टर डोज कब लगेगा? बूस्टर डोज अभी लगवा सकते हैं क्या? बूस्टर डोज अभी लगवा सकते हैं हम? 9 महीना हो गया। सुई ली हुए? नहीं अभी नहीं हुआ। 9 महीना? 9 महीना के बाद। सेकेंड डोज के 9 महीना के बाद? हाँ ये ठीक है। शौचालय दूर रहा सेंटर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर। हम लोग सुई लेंगे और यहाँ पर होगा हम लोग का रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर आधार कार्ड देते हैं। भैया कोई है नहीं यहाँ पर, आते हैं भैया फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है आगे। ओ भैया जी आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन होगा अब। हमारा तो डोज लगा हुआ है। कोविशील्ड अच्छा, इनका कोवैक्सीन जाएगा। 15 से 18 वर्ष वाला कोवैक्सीन है। हम लोग का तो कोविशील्ड पड़ा था। हाँ 9 महीने के। नहीं ऑनलाइन कराएगा तो फिर परीक्षा कैसे ना देगा? और 2 दिन तो बुखार ही लगेगा। टाइम पे 2-3 दिन पहले बुखार लगेगा। जाओ 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 जाओ। खोलो उसको, ऊपर वाला खोलो हुड्डी। रोना नहीं नीतीश भैया की तरह, वो तो रोने लगे थे। हुड्डिया खोल लो पूरा।
सुई यहाँ पर हो गया है तैयार, अब लेगा उसके बाजू में ला। कोवैक्सीन दिए है ना, इसको 28 दिन के बाद आना पड़ेगा। चलो चलो इधर आके बैठ जाओ। सुई लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं चला, लेकिन दर्द हो रहा है। आराम से बैठो यहाँ पर, सोने का मन तो सो जाओ। बेचारे का रिएक्शन देख लीजिए एक बार सुई लेने के बाद। सुई लेने से तो बहुत आनंद आया होगा। पता नहीं चला, लेकिन अब दर्द हो रहा है। कुछ भी हो जाए आपको सुई आकर लेना है। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको पालन करिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाना है। उसके विदाउट आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, समझे? जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक एग्जाम नहीं, कोई उपाय नहीं। यहाँ बोले कि टीका टेस्ट के बाद आपको 30 मिनट लेके बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्लड ब्लड बाहर आ जाएगा। इसी के लिए हम लोग अभी वेट करेंगे, 30 मिनट बाद हम वापस चले जाएंगे। हम लोग का यहाँ 30 मिनट हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर लिए हैं, और ये कपड़ा पहनेगा और हम लोग जाएंगे वापस अपने घर। और ये अंकल यहाँ पर बूस्टर डोज ले लिए हैं, उनका तीसरा डोज पड़ा गया है। वो जो अंकल बैठे उनका तीसरा बूस्टर डोज हो गया उनका। हेलमेट वहाँ पर है। हाँ तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग का वैक्सीन लग चुका है, अब हम लोग जाएंगे वापस घर। और जब भी आप जितना जल्दी हो सके कोरोना का वैक्सीन ले लें, अगर ले लिए हैं तो ठीक है, बूस्टर डोज लेने का इंतजार करें, उसका टाइम आने का, फिर बूस्टर डोज लगवा लें। और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को जरूर पालन करें जितना हो सके, और फिर वैक्सीन ले लें। वैक्सीन अवश्य लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे वैक्सीन किया जाता है। अगर आप बिहार शरीफ में जो है वहाँ जो है लोकेशन जो इसमें डाल देंगे इसमें। और ये रहा वैक्सीनेशन सेंटर, यहाँ का पूरा बिल्डिंग जो है वैक्सीनेशन सेंटर से ही बना हुआ है। और आगे भी एक जगह वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ, एक आगे सा गेट है जाने का, मगर उस गेट से जाएंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट बाहर निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं अब बाहर। तो गाइस, हम लोगों का मैसेज भी जो यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं आप लोग, डियर ओम शांति यू है। और देखते हैं अब इसका जो है सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास भेजें, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन लें और सभी दिलवाएँ, आपके छोटे भाई बहन सबको, और जितना हो सके आप अपना सरकार द्वारा जो गाइड जारी गाइडलाइंस उसका पालन करें। 2 गज की दूरी बना कर रखें, हमेशा मास्क पहने हुए रखें, और जितना सैनिटाइजर हाथ में रखें साथ। ये प्रेम से बोलो, एक बिहारी तो पे भारी। तो हम लोग रिटर्न होने वाले हैं। अगर आप बिहार में आए हैं और बिहार के रोड पर और गलियों में गाय भैंस ना मिले, तो वो बिहार का जगह जब तक शुद्ध नहीं होगा, वो बिहार माना ही नहीं, बिहार माना ही नहीं जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। जब तक के लिए।